मौलाना अरशद मदनी के बयान पर अयोध्या के संतों महंतों ने व्यक्त की थी प्रतिक्रिया। इस्लाम 14 वर्ष पुराना है, जबकि हमारे श्री राम ही 9 लाख वर्ष पूर्व पैदा हुए। आचार्य सत्येंद्रदास, मुख्य पुजारी राम जन्मभूमि। इस्लाम और ओम एक होते तो हमें काफिर क्यों कहा जाता? महंत राजूदास। जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी के बयान के विरोध में भले ही दिल्ली से पहली आवाज उठी हो, लेकिन यह आवाज अयोध्या तक पहुंच गई है और इसको लेकर अयोध्या के संतों महंतों ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त। दिल्ली के रामलीला मैदान में जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने कहा था कि अल्लाह और ओम एक है। राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्रदास कहते हैं कि मौलाना अरशद मदनी जो कह रहे हैं वह सरासर झूठ है। इस्लाम केवल 1400 वर्ष पुराना है, जबकि हमारे श्री राम का जन्म ही 9 लाख साल पहले हुआ था। हमारे चारों वेदों की उत्पत्ति ही आदि से हुई है। वहीं हनुमानगढ़ी के महंत राजूदास कहते हैं कि यह तलवार की नोक पर सलवार पहनने वाले लोग हैं। इस्लाम में एक कौम, एक मजहब, एक संप्रदाय की बात होती है और हमको काफिर कहा गया है। यही नहीं, अगर इस्लाम शांति का प्रतीक होता, अगर इस्लाम और ओम का अर्थ एक होता तो इस्लाम को मानने वाले ओम को मानने वालों का सिर कलम क्यों करते? इसलिए मौलाना मदनी की भाषा ठीक नहीं है। वह रोजी रोटी चलाने के लिए इस तरह की अनर्गल बातें कर रहे हैं। मौलाना मदनी को भी घर वापसी करनी चाहिए। अरशद मदनी जो कह रहे हैं कि सबसे प्रथम इस्लाम आया है, इस्लाम के शब्दों को जो उच्चारण कर रहे हैं यह बिल्कुल झूठ है। इस्लाम आज से 1400 वर्षों पहले आया है। इसके पहले इस्लाम का कोई नाम निशान नहीं था। हमारे बहुत से संप्रदाय के बहुत से ग्रंथ और बहुत से सिद्धांत ऐसे हैं जो सृष्टि के आदि से आए हैं। भगवान श्री राम का ही जो जन्म हुआ वही लगभग 9 लाख वर्ष पहले हुआ है। ऐसी स्थिति में यह कह देना पहले यह हमारा जो इस्लाम है वह आया है, इसकी आयतें आई हैं, यह झूठ है, बिना प्रमाण के अपनी बातें कह रहे हैं। वस्तुतः हमारे यहाँ चार वेद हैं, चारों वेदों की उत्पत्ति आदि में हुई है। वहीं चार वेद के माध्यम से जो संचालन हुआ है, शब्दों का, गुणों का, धर्मों का और सनातन का धर्म, इन सभी की व्यवस्था हुई है, वह चारों वेदों से हुई है। जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष अरशद मौलाना मदनी एक धर्म सम्मेलन कराया था दिल्ली में, और दिल्ली में जो उनकी भाव भाषा थी कि पहले आदम आए, सनातन को मानने वाले आदम से ही उत्पत्ति हुई। मैं मौलाना मदनी से पूछना चाहता हूँ, ओम और अल्लाह एक है, ठीक है, सारे ईश्वर एक है, अनेक व्यवस्थाएं बनी, हम उस अनेक व्यवस्थाओं को स्वीकार करते हैं, लेकिन इस्लाम की जो कट्टरता है, मौलाना मदनी के पूर्वज बुजदिल थे और तलवार की नोक पर सलवार पहनने वाले लोग हैं। इस्लाम में एक कौम, एक मजबूत, एक संप्रदाय की बात होती है और हमको काफिर कहा गया। इस्लाम में इस्लाम को मानने वाले की जहाँ पर संख्या बढ़ती है वहाँ पर किसी कौम की, किसी मजहब, किसी संप्रदाय के व्यक्ति सुरक्षित नहीं रह सकते। प्रत्यक्ष उदाहरण अफगानिस्तान और पाकिस्तान है और बांग्लादेश है, तमाम मुस्लिम कंट्री तो है ही। अभी जो वर्तमान में भारत से 100 वर्ष पहले कटे हैं उसकी स्थिति और परिस्थिति क्या है? अगर इस्लाम शांति का प्रतीक होता, अगर इस्लाम और ओम का अर्थ एक ही होता तो क्या ओम को मानने वाले, सनातन को मानने वाले का सर कलम इस्लामिक कट्टरपंथियों के द्वारा क्यों होता? इसके नाते मौलाना मदनी का भाव और भाषा ठीक नहीं है और सनातन परंपरा आज से नहीं अनादि से चली आ रही है। मौलाना मदनी अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए अनर्गल वार्तालाप करते हैं, उनको यह वार्तालाप बंद करनी पड़ेगी। सनातन आज का नहीं अनादि से है, यह संस्कृति अखंडता और अखंड ही है और अखंड ही रहेगा। मौलाना मदनी को भी पुनः घर वापसी करनी पड़ेगी, सनातन में आना पड़ेगा, क्योंकि सनातन हमेशा सर्वे भवन्तु सुखना का कार्य करता है। सनातन तलवार की नोक पर नहीं चलता, सनातन आस्था की नोक पर चलता है और मौलाना मदनी का धर्म तलवार की नोक पर चलता है, जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण पूरा विश्व है। जिस प्रकार से आतंक व्याप्त है, इस्लाम के कट्टरपंथी के द्वारा व्याप्त है, यह प्रत्यक्ष उदाहरण है। अरशद मदनी जो कहे हैं कि सबसे प्रथम इस्लाम आया है, आज इस्लाम की शब्दों को जो उच्चारण कर रहे हैं एकदम झूठा है। इस्लाम आज से 14 वर्ष पहले आया है, इसके पहले इस्लाम का कोई नाम निशान नहीं था। हमारे बहुत से संप्रदाय के बहुत से ग्रंथ और बहुत से सिद्धांत ऐसे हैं जो सृष्टि के आदि से आए हैं। भगवान श्री राम का ही जो जन्म हुआ है वही लगभग 9 लाख वर्ष पहले हुआ है। तो इसी स्थिति में कह देना कि पहले यह हमारा जो इस्लाम है वो आया है और उसकी जो आयतें आई हैं यह झूठ है, वो अपने बिना प्रमाण के अपनी बात कह रहे हैं। वस्तुतः हमारे यहाँ चार वेद हैं, चारों वेदों की उत्पत्ति आज में हुई और वही चार वेद के माध्यम से जो संचालन हुआ है, शब्दों का, गुणों का, धर्मों का और सनातन धर्म का, ये सब का व्यवस्था हुई है, वो चारों वेद से हुई है। जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष अरशद मौलाना मदनी एक धर्म सम्मेलन कराया था दिल्ली में, और दिल्ली में जो उनकी भाव, उनकी भाषा थी कि पहले आदम आए, सनातन के भी मानने वाले आदम से ही उत्पत्ति हुई है। मैं मौलाना मदनी से सवाल पूछता हूँ, ओम और अल्लाह एक है, ठीक है, सारे ईश्वर एक हैं, अनेक व्यवस्था बनी है, हम उस अनेक व्यवस्था को स्वीकार करते हैं, लेकिन इस्लाम की जो कट्टरता है, मौलाना मदनी के पूर्वज बुजदिल थे,
और तलवार के नोक पर सलवार पहनने वाले लोग हैं। इस्लाम में सिर्फ एक कौम, एक मजहब, एक संप्रदाय की बात होती है और हमको काफिर कहा गया है। इस्लाम में आप देखो, इस्लाम के मानने वाले की जहां संख्या बढ़ती है, वहां पर किसी कौम, किसी मजहब, किसी संप्रदाय के व्यक्ति सुरक्षित नहीं रह सकता है। प्रत्यक्ष उदाहरण अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, अदर तो तमाम मुस्लिम कंट्री तो ही है, लेकिन जो भारत से अभी वर्तमान में 100 वर्ष पहले कटे हैं, उसकी स्थिति परिस्थिति क्या है। अगर इस्लाम शांति का प्रतीक होता, इस्लाम और ओम का एक अर्थ होता, तो क्या ओम के मानने वाले, सनातन के मानने वाले का सर कलम इस इस्लामिक कट्टर पंथियों के द्वारा क्यों होता। इसके नाते मौलाना मदनी का भाव भाषा ठीक नहीं है और सनातन परंपरा आज से नहीं अनाज से चली आ रही है, लेकिन मौलाना मदनी अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए अनर्गल वार्तालाप करते हैं और यह वार्तालाप इनको बंद करना पड़ेगा। सनातन आज नहीं अनाज की है और यह संस्कृति अखंड था, अखंड है और अखंड रहेगा। मौलाना मदनी को भी पुनः घर वापसी करनी पड़ेगी, सनातन में आना पड़ेगा, क्योंकि सनातन वसुदेव कुटुंबकम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः के साथ कार्य करती है, काम करती है। सनातन तलवार के नोक पर नहीं चलता, सनातन आस्था के नोक पर चलती है और मौलाना मदनी का धर्म तलवार के नोक पे चलता है, जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण पूरा विश्व है। विश्व में जिस प्रकार से आतंक व्याप्त है, वो इस्लाम के कट्टरपंथी के द्वारा व्याप्त है, यह प्रत्यक्ष उदाहरण है।